वेरी न्यू इनिशियट कॉल्ड यूपीएससी सी एस सी मास्टर क्लास प्रोग्राम फॉर प्रम्स एंड मीनस ये बिल्कुल फ्री इनशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशियेटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सके और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके अंदर वर सम प्रम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेन्स इनिशियटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवेल्युएट किया जाएगा बाईर डेडिकेटेड मेंटल एग्जाम इन दोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉक चेन इन ड्राइविंग दी एडोपन and utilization of blockchain technology within india now you have to answer this within the word limit of 150 words so this is a 10 marker question we have already written answers for 10 marker question what is the requirement the main requirement is that you have to finish this question you have to write this question within the uh, you may say time limit of 7 minutes you have to be very precise with your you may say words and the points that are using and try to inculcate maximum points or you may say the dimensions that you can think of इन दी आंसर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन बट इस क्वेश्चन को ध्यान में आप दीजिए बिकॉज दिसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अट ऑफ क्वेश्चन सिमिलर टू दिस कैन बी आज इन यूपीएससी मीन तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑल दो दिस इज अन फिफ्टी वर्ड क्वेश्चन टेन मार्क क्वेश्चन है इसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है आंसर करने का लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू लर्न अलॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और नेशनल स्ट्रैटेजी और ब्लॉक चेन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और अगर इससे कुछ मिलते जुलता क्वेश्चन ब्लॉकचेन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे आंसर करना है इसको भी इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका मॉडल आंसर होगा देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वट आर दी इंपॉर्टेंस आस्पेक्ट्स

से इम्पैक्ट पड़ने वाला है ठीक है सोसाइटी पर उसकोलॉजी चलिए हम लोग चेन ठीक है आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं इट इज अवेलेबल ऑनलाइन आप इसको सर्च कर सकते हैं इसमें बेसिकली दिस इज अ रोड मैप ये रोडमैप बताया गया है कि आगे आने वाले टाइम में ब्लॉक को इंडिया में कैसे अडोप्ट किया जाएगा ठीक है यह गवर्नमेंट इसके बारे में करने वाली है ठीक है उनका फ्यूचर प्लान क्या है इसको इसमें दर्शाया गया है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉक जो आया है उसको ध्यान में रख के बताइए कि कैसे ये हेल्प करने वाला है एडॉप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया तो यहां पर हम लोग कुछ चीजों को रेकमेंड कर रहे हैं आप इसको पढ़ भी सकते हैं इन योर लीजर टाइम इफ यू आर गिविंग दिस मेन्स दिस टाइम अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन इफ यू आर नॉट गिविंग मेन्स दिस ईयर यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट इट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर ऑल्सो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए अगेन बिफोर गोइंग इन टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन बॉडी एंड ऑल दोस थिंग्स हम लोग एक बार छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं ब्लॉक ब्लॉकचेन को समझने के लिए Now, ये आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है बट इफ एनी क्वेश्चन सिमिलर टू ब्लॉकचेन कम्स इन योर एग्जाम अगर ब्लॉकचेन में पूछा जाए कि व्हाट इज ब्लॉकचेन कैसे इसका एप्लीकेबिलिटी होता है तो आप इस डायग्राम को डेफिनेटली यूज बहुत ही एफिशियंट डायग्राम है बहुत ही अच्छा डायग्राम है एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन दी सेम डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है तो आप इस तरह के डायग्राम्स को अगर अपने एग्जाम में यूज करते हैं ब्लॉक को एक्सप्लेन करने में तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मार्क्स फैच करके देगा उससे पहले अगर आपको ब्लॉक को डिफाइन करना है तो एक छोटा सा आप डेफिनेशन दे सकते हैं इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ब्लॉक चेन इज एन इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी देखिए सबसे है इसको ओपन लेजर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यहां पर पीयर पीयर टू वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर जितने भी आपके यूजर्स हैं, वो किसी भी डेटा को जो जनरेट हुआ है उसको वो वेरीफाई करते हैं तो इसी कारण इसको ओपन लेजर सिस्टम बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड in है? है? uh, जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था दैट वॉज डन इन दी क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड बिटकॉइन और इसको बोला जाता है कि इट वॉज इन्वेंटेड बाई सतोशी नाकामोटो बट कोई भी अभी तक इसको इन पर्सनैलिटी को नहीं जानता है कि कौन है ये सतोशी नाकामोटो न्लॉक चेन इज एन एम एल

मैक्स टू मैक्स थर्टी वर्ड्स थर्टी वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो आपको वर्ड्स अपने बॉडी वाले जो कि मेन पार्ट है तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा तो यहां पर देखिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉलि इज अस्टम ऑफ सिक्योरली रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इट इन्श्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स मेकिंग डिस्ट्री ल्ट टू ऑल्टर और मैनपुलेट स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन तो यहां पर आपने समझ लिया कि इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन की वट इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया अगर आप चाहते हैं तो डायग्राम बना सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू की हम लोग को जो कंटेक्स दिया हुआ है दैट इज नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉक चेन तो नेशनल स्ट्रेटी ऑन ब्लॉक चेन को हम लोग जल्दी से डिफाइन कर देते हैं कि क्या है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीती रिलीज ऑफ द नेशनल स्ट्रेटी ऑन ब्लॉक चेन आउटलाइन दी पोटेंशियल यूज ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन गवर्नेंस फाइनेंस हेल्थ केयर एंड मोर द स्ट्रैटेजी एम्स टू लेवरेज ब्लॉक चेन्स कैपेबिलिटीज टू इनहस ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी एंड एफिशियंसी इन दिस सेक्टर्स नाउ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो आप ये डॉक्यूमेंट में ही दिया हुआ है आप इसको बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है किस किस एरिया में इसका पोटेंशियल यूज देखा है सबसे पहला है आपका आपका ट्रेड एंड फाइनेंस लीगल में हो सकता है 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 आपको पता का का जो 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 बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट लोड उसको घटाने के लिए वी कैन यूज ब्लॉक चेन क्योंकि आपको पता है हमारे केस लोड इतना ज्यादा है तो हमें टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा टू मैनेज ऑल दीज केसेस तो यहां पर ब्लॉक बहुत हेल्प कर सकता है हमारा इसके बाद रियल स्टेट है हेल्थ हेल्थ केयर केयर में आपको पता है जो आपका जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है उसका आपको ओपन शेयरिंग सिक्योर शेयरिंग आप बोल सकते हैं ठीक है ये सब आपको जो है ब्लॉकचेन के थ्रू किया जा सकता है आईओटीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इसका जो है ब्लॉकचेन का काफी ज्यादा यूज है इंश्योरेंस बैंकिंग क्राउड फंडिंग सप्लाई चेन आप सबको यूज आप इस डायग्राम को कहीं पर नोट कर लीजिए ठीक है आप वैसा बना सकते हैं कि पॉसिबल यूसेजज अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन ठीक है आप ऐसा बना सकते हैं यूसेज और यहां पर आप बता सकते हैं कि ये सारे जगह पे इसको यूज किया जा सकता है नाउ द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज गोइंग टू मतलब इसका पोटेंशियल इंपैक्ट ऑनॉप्ट अडोप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लॉक कैसे होने वाला है मतलब यह स्ट्रेटेजी आने के बाद क्या ब्लॉकचेन का अडोप्शन फास्ट हो जाएगा ठीक है या फिर इस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसको हम लोग को एनालाइज करना है तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट तो आप ऐसे करके आप पांच छह पॉइंट बना सकते हैं और ये सारा चीज अगर आप इस डॉक्यूमेंट में पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा नॉ फर्स्ट इज सेक्टोरल इंप्लीमेंटेशन बाय आइडेंटिफाइंग 44 पोटेंशियल एरियाज ऑफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन द स्ट्रेटजी ऑफर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इट्स एडॉप्शन देखिए ब्लॉकचेन एक न्यू टेक्नोलॉजी है इसका क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले तो गवर्नमेंट ने यह फोर्टी फोर पोटेंशियल एरियाज डिफाइन कर दिया है कि इन एरियाज में वी आर गोइंग टू फोकस द यूज ऑफ ब्लॉक तो इससे क्या होगा कि फोकस्ड अप्रोच होगा जो भी कंपनीज आ रही है जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अगर आउटलाइन किया है ये 44 पोटेंशियल एरियाज तो यहां वो वर्क कर सकते हैं एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज

फोकस करती है जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है स्ट्रेटजी बनाती है तो जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हम लोग लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है, आप NIC, इनको कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टांस हेल्थ केयर सेक्टर आपको पता है कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जहां पर एफिशियंसी का बहुत जरूरत है जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हुआ उसके बाद ब्लॉक चेन फेसिलिटी सिक्योर शेयरिंग ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड हमने बोला पेशन रिकॉर्ड कोजली शेयर कर सकते हैं तो वी कैन इंप्रूव हेल्थ केयर बहुत हद तक को हम लोग हेल्थ केयर इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है इसके बाद कुछ हम लोग गवर्नेंस में भी देखेंगे क्योंकि आपको पता है इन गवर्नेंस ब्लॉक चेन कुड इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी बाई प्रोवाइडिंग एन इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन डिसीजन अगर आप एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश कर दें जहां पर सारा रिकॉर्ड सेफ है इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी आप डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं तो यह आपका डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी लाएगा गवर्नेंस में ठीक है यहां पर आप देखें जैसे अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल्स में आप कोट कर सकते हैं कि जैसे लैंड रजिस्ट्री फार्म इंश्योरेंस और डिजिटल सर्टिफिकेट्स पे गवर्नमेंट और तेलंगाना और तमिलनाडु बहुत तेजी से काम करिए ठीक है एंड दे आर यूजिंग ब्लॉक दे आर एग्रेसिवली

ऑप्शन में जो है थोड़ा सा तेजी आएगा आप देखेंगे कि सारे सेक्टर्स उसको इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं नाउ इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज डिजिटल आइडेंटिटी आपको पता है जैसे अभी आपको पता है आधार ऑथेंटिकेशन होता है वैसे ही आपका डिजिटल सोवरेन आइडेंटिटी जो है सपे अभी काम चल रहा है एंड ब्लॉक चेन कैन बी यूज फॉर एक्जाम्पल जैसे आपका डिग्री वेरिफिकेशन हुआ आपका क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन हुआ तो दीज ऑल कैन बी डन विथ ब्लॉक चेन वेरी इजली और बहुत सारे जो आप बोल रहे हैं कॉलेजेस अगर आप देखेंगे बहुत सारे अभी जो ऑर्गेइजेशन uh, है जो कि इस पर काम कर रहे हैं आपका जो रिकॉर्ड है दैट विल बी स्टोर्ड एज अ डे आपका एज अ ब्लॉक स्टोर रहेगा एंड एनी वन कैन व्यू दैट डेटा उसको कोई भी व्यू कर सकता है जो भी मतलब ऑब्वियसली विथ परमिशन उसको व्यू कर सकता है और जो है आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो डिजिटल आइडेंटिटी इसके बाद यू कैन ऑल्सो राइट सम यूसेजेस इन जुडिशरी का भी आप लिख सकते हैं कि कैसे जो आपका केस लोड को घटाया जा सकता है या फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में वो काफी मदद कर सकता है ब्लॉक चेन तो दीज आर दी पोटेंशियल यूसेजेस तो हमने यहां पर पता दिया कि अगर ये जो है डॉक्यूमेंट uh, स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया ये अगर काम करता है तो डेफिनेटली इसके ब्लॉकचेन के एडॉप्शन एंड यूटिलाइजेशन में मदद करेगा नाउ द लास्ट थिंग दैट दैट वी विल डू कि आर सम प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कैसे सब है नीड टू बी एड्रेस्ड सबसे पहले देखिए स्केलेबिलिटी इंश्योरिंग ब्लॉक चेन नेटवर्क कैन हैंडल अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पीड देखिए जो ब्लॉक का है एक तो इसका है कि इसका बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है और इसका स्केलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें अभी आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा हंड्रेंसेस होगा स्टार्टिंग में ठीक है लोग एडॉप्शन नहीं करना चाहेंगे डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना चाहेंगे तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है अभी उसके बाद रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है नेविगेशन इवॉल्विंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को Uh, the, आपके जो है डेटा शेयर करने में कितना प्रॉब्लम आएगा क्योंकि अभी हमारा जो इंटर आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंट या इंटर एजेंसी इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यह भी एक अनसर्टेनिटी है कि ब्लॉकचेन कितना एफिशिएंट हो पाएगा अवेयरनेस एंड स्किल्स लोगों को इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बताना इज अनदर हिंड्रेंस ठीक है तो उसमें भी एक हमारा प्रॉब्लम है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड देखिए रिसेंटली आपको पता है राइट टू बी फॉरगॉटन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इन दी प्रपोज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ठीक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था अब वो जो एक्ट बनने वाला है आप

यू यूएसए वन फिफ्टी वर्ड्स क्वेश्चन टेन मार्कर क्वेश्चन तो ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड। कंक्लूड कैसे करेंगे नेशनल स्ट्रेटी ऑन ब्लॉक चेन प्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल अड्रेसिंग चैलेंजेस रिकॉज इंप्लीमेंटिंग सोल्यूशन एस शेयरिंग फॉर स्केलेबिलिटी स्टैब्लिशिंग क्लियर रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड प्रमोटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इनिशिएटिव्स फॉर ब्लॉकचेन प्रोफिशिएंसी तो यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देखा कि अबाउट ब्लॉकचेन की क्या क्या, क्या इसके यूसेजेस हो सकते हैं स्ट्रेटेजी जो है जो उसके बारे में हम भी हमने देखा कि क्या गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्या एसोसिएटेड है उसको भी हमने देख लिया स्टार्टिंग में हमने देखा अबाउट ब्लॉकचेन आप उसको जरूर यूज करिए उस डायग्राम को उस डेफिनेशन को कहीं भी ब्लॉकचेन आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप धीरे धीरे आंसर लिखते रहेंगे यू विल गेट पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन के बारे में आप एक बार बैठ के सारा पॉइंट्स लिखेंगे फिर आप आंसर लिखेंगे नहीं आप आंसर लिखते ही लिखते सारा पॉइंट सीख जाएंगे याद हो जाएगा और इसी को आपको रेप्लिकेट करना है रियल एग्जाम में अगर इसका आप 70% भी प्रोड्यूस कर देते हैं इन द रियल एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू